हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल आज मैं आपको बी एड फर्स्ट ईयर पेपर टू कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी इस पार्ट के अंदर हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में स्टडी करेंगे आज का हमारा टॉपिक है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल ट्वेंटी नाइन एंड थर्टी सबसे पहले अब ये आर्टिकल ट्वेंटी हमें क्या बता रहा है और थर्टी क्या बता रहा है इसके बारे में जानते हैं आर्टिकल ट्वेंटी नाइन ग्रेंड्स एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स हैविंग ए डिस्टिंग लैंग्वेज स्क्रिप्ट कल्चर ऑफ इट्स ओन एंड द राइट टू कंजर्व एंड डेवलप द सेम एंड देश गार्ड द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज बाई प्रिवेंटिंग द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग एनी एक्सटर्नल कल्चर ऑन डैम इट मीन्स सिटीजन्स जो होंगे स्टेट के उनको राइट दिया गया है कि वो अपनी भाषा या अपनी लिपि और संस्कृति को फॉलो कर सकते हैं या फिर उनका जो भी विकास है संरक्षण वग़ैरह डेवलपमेंट और कंजर्व जो है वो कर, कर रख सकते हैं और साथ के साथ हमारा आर्टिकल 29 कहता है कि किसी को भी मतलब कि किसी भी स्टेट को ये हक नहीं दिया जाता कि वो किसी और स्टेट की संस्कृति या फिर उनकी लैंग्वेज वगैरह भाषा वगैरह को दूसरे राज्य के ऊपर इम्प्लीमेंट करे तो इससे जो है हर स्टेट की हर सिटीजन की जो संस्कृति है उसको बचाया जा सकता है यह हमारा आर्टिकल 29 कहता है अब हमारा आर्टिकल 30 आता है वो बता रहा है कन्फर्स अपॉन ऑल द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी द राइट टू सेट अप एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर एंड प्रोव्यूट द स्टेट इसका मतलब क्या है कि इसमें भी कहा गया है कि जो माइनॉरिटी ग्रुप्स होते हैं माइनॉरिटी ग्रुप्स पहले तो ये समझें कि जैसे कि एक हरियाणा है मानते हैं स्टेट है तो उसके अंदर हिंदू सबसे ज़्यादा रहते हैं लेकिन यहाँ पे मुस्लिम भी रहते हैं तो वो जो ग्रुप है मुस्लिम का वो माइनॉरिटी ग्रुप कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर हिंदू की जो सिटीज़न हिंदू सिटीज़न है वो सबसे ज़्यादा है तो हर जगह और एक जगह ऐसी भी हो सकती है जैसे कि जहाँ पर हिंदू भी क्या है माइनॉरिटी ग्रुप में आ सकते हैं इसलिए हमारा आर्टिकल थर्टी कहता है कि किसी भी माइनॉरिटी ग्रुप का जो भी उनकी संस्कृति है या फिर उनकी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक वगैरह हैं उन सबको उनको चूज़ करने का अधिकार भी दिया गया है कि वो अपने खुद का कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं अपनी चॉइस का और डेवलप भी कर सकते हैं अपना कल्चर को किसी भी स्टेट में वाइल गारंटिंग एड फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट एनी इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट दैट इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाई ए रिलीजियस और ए कल्चरल माइनॉरिटी जबकि ये आर्टिकल स्टेट को ये भी कहता है कि आप इस बात की वजह से किसी भी स्टेट किसी भी ग्रुप को माइनॉरिटी ग्रुप के ऊपर पाबंद नहीं लगा सकते स्कूल वगैरह एजुकेशन इंस्टीट्यूट वगैरह खोलने के लिए या उनकी जो भी चीज़ें हैं धर्म से रिलेटेड उनके ऊपर आप रोक नहीं लगा सकते ये स्टेट के लिए भी बताई गई है चीज़ तो आर्टिकल थर्टी यही कहता है कि माइनॉरिटी ग्रुप अपने अकॉर्डिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वगैरह स्थापित कर सकते हैं नेक्स्ट आर्टिकल इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज आर्टिकल थर्टी टू अब ये हमें आर्टिकल क्या बताता है ये प्रोवाइड करता है गारंटीड देता है रेमिडी के लिए इन द फॉर्म ऑफ ए फंडामेंटल राइट इट्सल्फ फॉर एनफोर्समेंट ऑफ ऑल द अदर फंडामेंटल राइट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट इज डेजिग्नेटेड एज ए प्रोटेक्टर ऑफ दीज राइट बाई कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल थर्टी हमें प्रोवाइड करता है गारंटी देता है ये किस लिए कि ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्शन का काम करेगा साथ के साथ ये खुद भी एक फंडामेंटल राइट है हमारा इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस इनको हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्शन देती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर संविधान के अंदर हमें प्रोटेक्शन मिली हुई है इन्हीं फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग और आर्टिकल 32 बनाया किसके द्वारा गया है ये जो है द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ़ादर ऑफ़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं तो उन्होंने फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए गारंटी के तरीके से रखने के लिए इसको इस आर्टिकल को बनाया है कि जो हमारा आर्टिकल 32 है वो उसको प्रोटेक्शन देगा साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट भी जो है उसको प्रोटेक्शन देने का काम करेगी यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी इसीलिए जो है आर्टिकल 32 को बनाया गया था ड्यूरिंग द कॉन्सिक्वेंट असेंबली डिबेट्स इन दिसंबर नाइनटीन फोर्टी एट डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सेड दैट द राइट्स इन्वेस्टेड विद द सुप्रीम कोर्ट through this article could not be taken away unless the constitution itself is amended and hence it was one of the greatest safeguard that can be provided for the safety and security of the individual it means उनका कहने का मतलब ये था कि जब तक आप अमेंडमेंट वगैरह नहीं करेंगे संशोधन नहीं लेकर आएंगे तब तक जो भी हमने सुप्रीम कोर्ट को जितने भी निवेश दिए हैं अधिकार दिए हैं उनको आप नहीं छीन सकते यानी कि गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट को जो जो फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग अधिकार दिए गए हैं वो सुप्रीम कोर्ट से नहीं छीने जा सकते जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में ही अमेंडमेंट ना कर दी जाए आज हमने फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक हमारा कंप्लीट कर लिया है नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ का वो भी एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएगा होप्सो so, आपको जो है फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक अच्छी तरीके से समझ आया होगा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके पास वीडियो डलते ही नोटिफिकेशन आपको मिले एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग